थाना बिशुनपुर अंतर्गत घने जंगल एवं ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नाम दामकुम, जहां श्रीमती फूलकुंवारी कुजूर एवं श्री महेंद्र कुजूर के घर सन 1965 ईस्वी में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। बच्चे का नाम रखा गया निस्तार कुजूर। 57 वर्ष बाद आज हम उस बालक को स्वामी बिशप रेवरेंड निस्तार कुजूर कहकर पुकारते हैं। क्षेत्र इतना दुर्गम कि गांव में कोई स्कूल नहीं, गांव में कुड़ुक भाषा छोड़ दूसरी कोई बोली नहीं, ऊपर से माता पिता अनपढ़। लेकिन परमेश्वर पिता का अनुग्रह और अनपढ़ माता पिता का जुनून कि बेटे को पढ़ाना है। पिता बेटे को अपने साथ लेकर जंगल पहाड़ी रास्तों से होते हुए 3 घंटा पैदल चलकर बेटे का दाखिला प्रताप हाई स्कूल बनारी में करा दिया, जहां से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिशप रेवरेंड निस्तार कुजूर की धर्म पत्नी का नाम स्वर्गीय हर्षित अंजोरा कुजूर है, जो 2 पुत्र एनोस चिराग एवं पुलकित एजरा कुजूर के रूप में परमेश्वर ने दान स्वरूप दिया है। शिक्षा प्रताप हाई स्कूल बनारी।
सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बेंच में नाम दिया गया है, हम लोग उसी को देख करके अपने स्थान में बैठेंगे। हम लोग हेलो, बिशप पवित्रीकरण आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम सभी कोई COVID-19 से पीड़ित हैं और इस समय हम सबों को उसके बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे और इसी के अनुरूप हमारा यह आराधना संपन्न होगी। ध्यान देंगे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो इस COVID-19 को के प्रोटोकॉल को मनाने के लिए, उसको पालन करने के लिए सहयोग करेंगे। जिस तरह से बेंच में चिन्ह दिया गया है सिंबल, उसी जगह बैठने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
बिशप पवित्रीकरण संस्कार समारोह के आराधना में हम लोग आराधना को आरंभ करने से पहले हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज का यह सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। ये विगत समय हम लोग हमारे कलीसिया में बिशप की आवश्यकता थी और प्रभु के अनुग्रह से आज हमने चार बिशप को पाया है और उसका पवित्र संस्कार की इस आराधना में आज हम लोग शामिल है। हम लोग प्रभु को ही धन्यवाद दें और आज की पूरी आराधना में प्रभु अपनी उपस्थिति दे करके हमारे की अगुवाई और सहायता करें। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग इसमें पर्चे में छपा हुआ है गीत नंबर 5 हम लोग उसको गाएंगे कोयर की अगुवाई में। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। Thank you.
उठे, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करें। खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। लूका 10:2। और का प्रभु यीशु ख्रीष्ट के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। दूसरा कुरिन्थी 13:14। सब मिलकर मंडली बिशप ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबको अविनाश आपको जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन।
आइए हम सब परमेश्वर के सम्मुख पापों को घुटने टेक कर अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपनी पड़ोसी के विरोध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर पाप किया है। इन सब पापों के लिए हम शोक करते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हमारे पापों को क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। जो सच्चा पछताप करते हैं वह आप सबों पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें तथा शाश्वत जीवन में बनाए रखें। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। परमेश्वर दयालु पिता, सब भली वस्तुओं का देनेहार, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने पादरी राजीव सतीश टोपो को कलीसिया में चुनकर बुलाया है कि आर्च बिशप के पद को ग्रहण करें। साथ ही तूने पादरी अगुस्तो सेका, पादरी निस्तार पुजुर और पादरी गैलेंटसन मिल्ज को कलीसिया में चुनकर बुलाया है कि बिशप पद को ग्रहण करें। हमारी प्रार्थना है तू उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर या वर दे कि वे सदा सच्चे विश्वास, ज्ञान और पवित्र जीवन में बढ़ते जाएं, ताकि उनकी सेवा से तेरी महिमा हो और तेरी कलीसिया आशीष पाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। पवित्र शास्त्र का पाठ वचन सुने। हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें लिखा हुआ मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 1:4-9। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4:9 यहां ऐसा लिखा हुआ है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही
मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यहां तक आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। दूसरा पाठ वचन पहला तिमोथियुस 3:1-7 पहला तिमोथियुस 3:1-7 यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, प्रियंकर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसी करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहां तक आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लगातार में तीसरा पाठ वचन सुने जो योहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय और पद 15-17 के वचन में सृजनहार पिता अपने होठों से इस तरह कह रहे हैं। आरंभ होता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योहन्ना के पुत्र, क्या तू तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समाओ योहन्ना के पुत्र, क्या तू तो मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समान योहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। यहां तक आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम परमेश्वर की चौथी आशीष वचन सुने
परमेश्वर के जीत वचन दूसरा तीमुथी 4:1-5 में इस प्रकार से लिखा हुआ हम पाते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की शुद्धि दिलाकर मैं तुझसे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यह प्रभु परमेश्वर का वचन है। मंडली बैठ जाए। हम गीत नंबर 2 गाते हुए आगे बढ़ेंगे।
आज के ऐतिहासिक दिन में जो कि चार बिशपों का आज कॉन्सिक्रेशन सनमरी के बीच में हम यहाँ हैं और हमारे लिए हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और आज ये परमेश्वर का बड़ी इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर अपने लोगों को चुनाव किया अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, मंडली को आगे अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने इन प्रिय लोगों को चुना। इसलिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और आज अलग अलग जगह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में हमारे साथ में जुड़े हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम में उन सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारो, आज हम लोगों ने वचन में सुना है, पवित्र शास्त्र का पाठ वचन में और परमेश्वर के लोगों ने पढ़ा है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। और ये जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाएं, हमारे देश में, हमारा राज्य में आज भी परमेश्वर की वचन की बहुत जरूरी है। यीशु के बिना इस दुनिया में सब लोग नाश हो जाएंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हम सब लोगों को दिया है। बिशप लोगों को कैसा रहना है, हम सभी को कैसा चलना है, सब कुछ हमको परमेश्वर ने बताया। आज मैं आपके सामने चार बात जल्दी जल्दी रखना चाहता हूं। हम सब लोगों को क्या करना है, कैसे हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के राज को और बढ़ाना है, तो मेरे प्यारों, पुरानी बातें जो बीत गई है, सबसे पहले उसको हमें भूलना होगा। उसको याद करते रहेंगे, जो पिछले दिनों में हम असफलता हुए हैं, पिछले दिनों में हम गिर गए हैं, पिछले दिनों में शायद हमने जो चाहा वो कर नहीं पाया। अब ऐसा समय आ गया है कि हम सबको उन बातों को भुला करके अब नया तरीका से आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमें मना करती है कि पीछे की बातों को, पास्ट की बातों को हमेशा हमें याद नहीं करना है। मैं आज कहना चाहता हूं, हमेशा पीछे वाली बात हमें निराशा करता है, हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। एक वचन मेरे साथ में पढ़िएगा और कोई भी इधर हमारे क्वाइट टीम मदद करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय 18 पद, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18। यशायाह अध्याय 43 पद संख्या 18। यशाया अध्याय 43 पद संख्या 18, उसमें ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्यारो, परमेश्वर का वचन हम सबको कहती है कि पुरानी बातें जो बीत गया हम लोग नहीं कर पाए, हो सकता है हम अच्छा कर भी पाए लेकिन उससे आप कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन आज इस समय को महत्व देती है। आज हम कैसे हैं परमेश्वर के सामने, हम आज कैसे
तैयारी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु का वचन हम लोगों को पिछले दिनों की बातें को मना करता है, उसको याद नहीं करना है, क्योंकि जो बीत गया है वो खत्म हो गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा नबी के पास बहुत बड़ा योजना लेकर के आया। जंगल में परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आया। आपको पता है, और जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर बात कर रहा है, एक बहुत बड़ा योजना लेकर के उनके पास में आया है, क्योंकि इसराइली लोग 430 साल वो गुलाम में हैं, और परमेश्वर उनकी पुकार को सुना, परमेश्वर उनकी आवाज को सुन लिया है, और वो स्वर्ग को छोड़ करके उतर आया, और परमेश्वर मूसा को बताने के लिए कोशिश कर रहा है, मैंने उनकी पुकार को सुना, उनके पीड़ाओं को सुना। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान की पीड़ा को हमारा परमेश्वर सुन लिया है, और आज वो हमसे बातें करने के लिए यहां पर आया हुआ है। वो बहुत बड़ा योजना लेकर के आया है। मूसा को परमेश्वर ने बता रहा है कि मैं उसको छुड़ाने आया हूं, तुम मेरा मदद करो। आज परमेश्वर भी हमारे ओर देख रहा है, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं, यू आर माय पार्टनर, मैं तेरे द्वारा काम करना चाहता हूं। मेरे प्यारों, मूसा को परमेश्वर अपने योजना बता रहा है। आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे बाइबल में, और निर्गमन के किताब को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते हुए। निर्गमन कर किताब को एक बार खोलेंगे हम लोग, और उसका तीन अध्याय को हम पढ़ेंगे, 11वां पद से, 3 अध्याय, 11, यस, निर्गमन 3 पद संख्या 11, या परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा। इससे पहले परमेश्वर उनसे बहुत सारी बातें किया है, बहुत कुछ बताया, झड़ती हुई और जलती हुई झाड़ी को वो देखा है, जरूर मूसा उसके पास में गया, लेकिन परमेश्वर वहां पर बताना चालू किया है, मैंने आवाज सुना है, मैं उनके दुखों को देखा है। 11 पद से थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हाँ, यहां मूसा इनकार कर रहा है। 9 पद से यदि हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा ऊपर से, तो थोड़ा हमको डिटेल पता चलेगा। यस, 9, इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ रही है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा है, इसराइल की आवाज, उनकी पीड़ा को मैंने देखा है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ, आगे, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं। एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर उनके पास लेके आया है, और उनको सारी बातें बता रहा है, मैं तुझे बहुत बड़ा लीडर बनाऊंगा, तेरे लाठी से लाल समुंदर दो भाग हो जाएगी, बहुत चमत्कार होगा, और लाखों लोगों को तुम अगुवाई करेगा। लेकिन प्यारो, यहां पर मूसा का इच्छा को देखिए, मूसा नबी इनकार कर रहा है और बोलता है, मैं कौन हूं। वो अपने आप को सबसे छोटा मान रहा है, सबसे गिरा हुआ समझ रहा है। मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको महान काम करने के लिए बुलाया है, और हिंदुस्तान को परमेश्वर बदलना चाहता है, गिरे हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, इसलिए योजना लेकर के हमारे पास परमेश्वर उतार आया है। लेकिन यहां पर क्यों बोलता है, मैं कौन हूं, नेगेटिव बात कर रहा है। परमेश्वर बहुत बात समझाया, लेकिन 13 पद को पढ़िएगा, 13, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जी, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। यहां भी देख लीजिए,
और नकारात्मक ही सोच रहा है। क्या बताऊं मैं उसको, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्रिस्ट में भाइयों बहनों, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया के लिए, क्योंकि जीवन का वचन हमारे पास में है और ये जीवन का वचन को पूरा दुनिया में फैलाना है। इसलिए हम सबको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने दिया है, इन प्रिय लोगों को परमेश्वर इतना पद दिया, बड़ा पद दे रहा है, ताकि हमारे पास दुनिया के लिए बहुत कुछ है। मित्रों, बार बार ये बोलता है मैं कौन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। अगर आगे चार अध्याय में देखिएगा पहला पद में, वहां भी वो नकारात्मक बातें कर रहा है। पढ़िए चार अध्याय पहला पद, चौथा अध्याय पहला पद जी। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वे मेरा विश्वास, इतना कमजोर वो बोलता है मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करेंगे, दुनिया को विश्वास करना ही होगा, क्योंकि यही सत्य है। इसके सिवा इस दुनिया में और कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बार बार यहां पर वो मना कर रहा है। अगर 10 पद को पढ़िएगा, फिर 13 पद को पढ़िएगा, वो बोल रहा है मैं बोलना नहीं जानता हूं। 13 में लिखा हुआ है, मेरे जगह में कोई दूसरों को भेज दे। बार बार ये रोक रहा है, लेकिन क्यों आप जानते हैं? क्योंकि ये पुरानी बातें को याद कर रहा है। जंगल में परमेश्वर इनसे बात कर रहा है, 40 साल हो गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मिस्र देश में एक आदमी का इन्होंने हत्या किया और अभी तक भूला नहीं। परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर क्षमा कर दिया, परमेश्वर नया करके उनको बोलने आया है, मैं जानता हूं तुमने गुनाह किया था, तुम पिछले दिनों में वो असफल हो गया, लेकिन मैं वो तुझे और सफल की ओर ले जाने के लिए यहां पर आया हूं। पिछले बातों को ये याद कर रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं, हमको पुरानी बातें को भूलना होगा। हम पिछले दिनों में कर नहीं पाए, असफल हो गए, शायद हम अच्छा जी नहीं पाए, लेकिन अब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है। आइए हम सब लोग और नया मन के साथ, नया जोश के साथ आगे बढ़े। पहली बातें मैं आज कहना चाहता हूं, पुरानी बातें को हमें भूलना होगा। दूसरी बात, हमारा सोच को बड़ा करना पड़ेगा, हमारा सोच को आगे नया करना होगा। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। जितना हम परमेश्वर के साथ आशा रखेंगे, उतना परमेश्वर बड़ा काम करेगा। छोटा आशा हमारे पास में है, परमेश्वर छोटा ही काम करेगा। बड़ा आशा आपके पास में है, बड़ा विचार आपके पास में है, तो परमेश्वर बड़ा विचार के अनुसार काम करेगा। एक वचन मेरे साथ जल्दी पढ़िएगा, और भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 22 पद, साम्स चैप्टर 33 वर्स 22। भजन संहिता अध्याय 33 पद संख्या 22। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। जैसा हमारी आशा है, जितना बड़ा सोच हमारा है, जितना बड़ा प्लानिंग हमारा है, परमेश्वर वैसा ही काम करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा सोच को बड़ा करना है, हम लोगों का सोच को बदलना है। आवर थिंकिंग शुड बी हायर। हम सबको ऊंचा सोचना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आवर गॉड इज अलाइव गॉड, आवर गॉड इज होली गॉड। उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम यीशु को किसी चीज से, किसी दूसरे देवताओं से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु सबसे महान है। प्यारो, उसी तरह से हमारा सोच महान होना है, और जितना हम बड़ा सोचेंगे, उतना परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा।
हमारा सोच के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। जितना हम आशा उनके साथ उनके ओर से रखते हैं, प्रभु वैसा ही बड़ा चीज हमारे लिए रखा हुआ है। आज ये सुबह के समय मैं कहना चाहता हूं, आइए हम बड़ा सोचने वाले हो, बड़ा करने वाले हो, हमारा योजना बड़ा हो, हमारा प्लानिंग बड़ा होना चाहिए। नंबर 3, संकट आए, मुसीबत आए, आज के हालात को हम देख रहे हैं, पूरे दुनिया में सिचुएशन अच्छा नहीं है, हम मसीह लोगों का सेवा करना भी मुश्किल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, डोंट स्टॉप एनीवेयर बट गो अहेड। हमें आगे बढ़ता ही रहना होगा, हमें रुकना नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें महान काम के लिए बुलाया है और हमें कहीं भी रुकना नहीं है। चाहे कितनों बड़ा मुसीबत आ जाए, हमको आगे ही बढ़ते जाना होगा। आइए इसके लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते हुए, और व्यवस्था विवरण 1:6। यहां इजराइली लोग बहुत दिन रुक गया। कुछ ऐसा भी मसीह भाई बहनों हैं, रुक सा गया है, हमें रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर के चुने हुए लोग यहां रुक गया, परमेश्वर को पसंद नहीं लग रहा है, बोल रहा है आप यहां से कुछ करो, यहां से तुझे जाना हो, यहां रुकना नहीं है, तुम्हें जाना पड़ेगा। यस, पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 1 और उसका 6। व्यवस्था विवरण 1:6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, होरेब पहाड़, इसका दूसरा नाम सीनै पर्वत। तुम ये तो पहाड़ के पास ही लोग रुक गया, और थोड़ा नहीं बहुत दिन रुक गया, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। आगे, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिन हो गया, परमेश्वर चाहता है हम रुके नहीं कहीं, हमें आगे बढ़ते ही जाना है, हमको चलना है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है। प्यारो, यहां पर परमेश्वर का कहना है, क्यों रुक गए हो? लगभग 3 महीना इन लोग रुक गया, और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को यहीं पर हुआ, पाप में भी गिर गया, बहुत बड़ा बर्बादी हुआ। 1 सप्ताह रुकता, पैदल चल रहा था, 2-3 दिन रेस्ट करते अच्छा था, लेकिन दुखद बात है 3-3 महीना ये लोग वहां पर रुका हुआ है। प्यारो, हम मसीह लोग रुकेंगे, पूरा दुनिया रुक जाएगा, तबाह हो जाएगा पूरे संसार। हमें प्रार्थना में रुकना नहीं है, वचन को प्रचार करने में रुकना नहीं है। जरूर कठिन समय आ गया, लेकिन अलग अलग परमेश्वर प्रोवाइड भी हमारे लिए करता है, क्योंकि वो जिंदा है, उसका वचन कभी भी रुकेगा नहीं। हम सबको करना है, हम लोगों को आगे जाना है। ये लोग रुक गया, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति को फिर आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो एक जगह रुक गया। उनका लक्ष्य था, मैं कनान देश जाऊंगा, पूरे फैमिली को लेकर के जा रहा था, और बहुत बड़ा लक्ष्य उनके पास था, लेकिन दुखद बात है वो रुक गया। हमें सीखना है, तेरा अब्राहम का पिता, बहुत कुछ हम लोग अब्राहम से सीखे हैं, उसके पिताजी से भी बहुत सीखे हैं, लेकिन जो अनुच्छेद को मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं, मेरे प्यारो, तेरा को रुकना नहीं चाहिए था। रिड जेनेसिस चैप्टर 11 31-32, उत्पत्ति की किताब 12 और उसका 31-32 पद को पढ़िएगा। उत्पत्ति 11 पद संख्या 31-32। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था
और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। उद्देश्य है कनान देश जाना। अच्छा है, कई बार हम प्लेस चेंज करते हैं, शायद जहां पर ये था वहां उनके लिए असुविधा हो रही होगी, चेंज कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, कनान देश जा रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, हम कनान जाना है। निकल भी गया, कितना अच्छा बात है, वो निकल गया। प्रभु की सेवा के लिए हम लोग निकल जाते हैं, निकलना है क्योंकि हमें बुलाया है हमारा परमेश्वर। ये निकल भी गया अपने फैमिली के साथ में, यहां लिखा हुआ है वो निकल गया। फिर एक बार पढ़िएगा, चलिए फिर एक बार पढ़ते हैं। तेरा अपने पुत्र अब्राम जी और अपने पोते लूत यस जो हराम का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। कनान देश जाने को चला। आगे पर आप कहानी चेंज हो रही है, निकला जरूर पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। मेरे प्यारो, रुक गया, जाना था कनान देश लेकिन बीच में एक देश मिल गया है, रुक गया वहां पर। कई क्रिस्ट में मसीह भाई बहन आज कुछ चीजें हैं जिसको रोक दिया है, रुक गया यहां पर। ये जाना था इनको कनान देश लेकिन रुक गया। मैं आज कहना चाहता हूं, हमको रुकना नहीं है, हमको कोई जगह रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको चुना है लेकिन यहां पर सीख रहे हैं ये तेरा रुक गया, आगे दुखक बात है। आगे पढ़िएगा 32 पद को। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ जी, तब वह हारान देश में मर गया। वहीं पर मर गया, सब चीज खत्म हो गई। जाना था कनान लेकिन यहीं पर सब दर्शन समाप्त हो गया, मर गया। आइए आज सुबह हम एक नया निर्णय ले, हमारा साथ ऐसा ना हो हम मंजिल तक पहुंचने पाए, हम कनान रूपी स्वर्ग तक जाने वाले हो जाएं, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, हम ऐसा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाला हो जाए। चौथा और ये आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, पुरानी बातें को भूलना है। दूसरी बात, हमको नया सोचना है, बड़ी प्लान करना है। तीसरी बात, हमें कहीं रुकना नहीं है। चौथी बात, हमारा दौड़ को अंत करना है, पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है। पौलुस ने कहा, मैंने अपने दौड़ पूरा किया है। प्यारो, तभी ऐसा होगा जब हम समर्पण के साथ में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप मजबूत होगी, हम अपने दौड़ को पूरा करेंगे। बाइबल में एक बहुत बड़ा पद है, बहुत सुंदर है, शबोपदेशक उसका 7:8 रीड। शबोपदेशक 7:8 किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। किसी काम के शुरुआत से बाइबल कहती है अंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार शुरू करना बहुत आसान होता है, द बिगिनिंग इज वेरी इजी बट द एंड वेरी डिफिकल्ट। मेरे प्यारों, कई लोग शुरुआत किया लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। आइए हम सब लोग आखिरी अच्छा से करने वाले बने। हमारे पुरखों ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं, इज़राइली लोग
कनान देश जाने के लिए सफर शुरुआत किया, लेकिन उसका अंत आखिरी नहीं हुआ। दूसरा हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका पहला पद से अगर हम पढ़ेंगे, शुरुआत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा शुरुआत किया था उन दोनों में। रीड थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। पहला कुरिन्थी और उसका 10 अध्याय पहला पद से, पहला कुरिन्थ अध्याय 10 पद संख्या 1 से आगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु स्टोरी इज चेंजिंग। आप यहां हम देख रहे हैं, शुरुआत में पढ़ते हैं सब ने बादल के नीचे था, सब ने आत्मिक भोजन किया, सब ने ओ बपतिस्मा लिया, सब ने 6 बार लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये एकता की ओर दिखा रहा है, सब लोग यूनिटी में थे। स्टार्टिंग बहुत शुरुआत अच्छा था, शुरुआत बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे प्यारों बीच में इनका जिंदगी समाप्त हुआ है। यहां पर आगे पढ़िएगा, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ जी, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आखिरी अच्छा नहीं हुआ, शुरुआत बड़ी अच्छा था, लेकिन बीच में ही सब चीज खत्म हो गया। प्यारो, हम सबको आखिरी करना, अच्छा से करना बहुत जरूरी है। संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, 2 थिमोथियुस 4:7 में बोलता है, मैं अब अच्छी कुश्ती लड़ चुका और अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। आइए हम अपने दौड़ को पूरा करें, अच्छा से पूरा करने वाला हो जाए। एक व्यक्ति के बारे में बाइबिल में पढ़ते हैं जिसका नाम तो नूह। स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, जबरदस्त शुरुआत किया, हिला दिया संसार को, चुनौती दिया दुनिया को, और बहुत अच्छी रीति से शुरुआत किया, लेकिन उसका आखिरी का जिंदगी देखिएगा, अच्छा नहीं हुआ। प्यारो, शुरुआत बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी करना बहुत उत्तम है। बाइबिल कहती है, अंत भला तो सब भला। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, छोटा सा प्रार्थना करके मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। 4 बातें आज हम लोगों ने सुना है मेरे प्यारों। सबसे पहली बातें, पुरानी बातें को हमें भूलना है। दूसरी बात, हमारा सोच को बड़ा करना है। तीसरी बातें, हमको कहीं रुकना नहीं है। चौथी बातें, अपना दौड़ हमें पूरा करना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं नए समर्पण के साथ हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हमारा अनुग्रहकारी जिंदा खुदावन, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। आज बिशप कॉन्सिक्रेशन में प्रभु हम सबको लेके आया है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी तो सौंपने जा रहा है, बड़ा काम तुम करने के लिए जा रहा है। प्यारे खुदावन, हम सब लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्यारे खुदावन। पूरे ओ मसीह भाई बहनों, अगुआ लीडर सबको आशीष दे। आज के वचन के अनुसार हम सब लोग तेरे हाथों में समर्पित होते हैं प्रभु। तो दया कर, हम सबको आशीष दे, आपकी महिमा के कारण बनने पाए, दया से भर तेरा अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद, हम सारे आज के कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुना, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर बाप आप सबको बहुत आशीष दे, आमेन। सब लोग बैठ जाए।
आई एम क्वायर चरपाई में गीत नंबर 6 को हम लोग गाएंगे। हेलो चेक हेलो हेलो श्रद्धेय बिशप, हम सब भक्त और विद्वान सेवक को प्रस्तुत करते हैं कि वे परमेश्वर की कलीसिया में आठ बिशप के पद के लिए पवित्रीकरण संस्कार किए जाएं। अब निर्वाचित आर्च बिशप के चुनाव का प्रमाण पत्र पढ़ा जाए। नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च छोटा नागपुर एवं मसाम। घोषणा। नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च
छोटा नागपुर एवं असम की डायसिसन कार्यकारिणी समिति की ऑनलाइन बैठक दिनांक 30/4/2021 की कार्यवाही कंडिका संख्या 6, डायसिसन काउंसिल की विशेष बैठक 20/8/2021 की कार्यवाही कंडिका 6, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 13/1-56 दिनांक 15/9/2021 एवं डायसिसन काउंसिल बैठक 3/6 एवं डायसिसन काउंसिल बैठक 3 नवंबर से 6 नवंबर 2021 कार्यवाही कंडिका 7 के अनुसार बिशप उम्मीदवारी 4 बिशपों उनमें से एक बिशप को आर्च बिशप का विधिवत चुनाव संपन्न कर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत परिणाम पत्र 13/1-88 दिनांक 4/12/2021 के आलोक में एदत द्वारा रेवरेंड राजीव सतीश टोप्पो को सर्वाधिक मत प्राप्त करने के फलस्वरूप आर्च बिशप निर्वाचित घोषित किया जाता है। मंडली उठे। निर्वाचित आर्च बिशप लोगों की ओर विमुख हो बिशप निर्वाचित चर्च आर्च बिशप को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। क्रिस्त में प्यारो यह वह व्यक्ति है जिसे हम परमेश्वर के नाम से पवित्रकरण संस्कार करना चाहते हैं और आपने सुन लिया है कि यह व्यक्ति विधिवत निर्वाचित आर्च बिशप है और इनकी नियुक्ति उन लोगों द्वारा जिनको यह अधिकार है पक्की की गई है। अतः मैं पूछता हूं कि आप सबों की इच्छा है कि इस व्यक्ति को आर्च बिशप के पद पर पवित्रकरण संस्कार किया जाए। हमारी यही इच्छा है। क्या आप इनकी धर्म सेवा में इन्हें संभालेंगे? हाँ, संभालेंगे। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में जो हमारा महापुरोहित हैं हम यहाँ एकत्र हैं कि आपको एक कैथोलिक और प्रेरितों की कलीसिया में और हाथ रखने के द्वारा पवित्रकरण संस्कार करें। हमारा विश्वास है कि पवित्रकरण करने से केवल परमेश्वर ही उस पर एवं कार्य के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं आपको अनुग्रह और अधिकार देता है। हम यह मानते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया की विनतियां सुनते हुए अपने नियुक्त किए गए धर्म सेवकों के वचनों एवं कार्यों के द्वारा यह काम करेंगे। हम जो कुछ करते या बोलते हैं वह एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया के अंग होकर करते या बोलते हैं। हम सब कुछ उस विश्वास के आधार पर जिसको हमने एक स्वर से विश्वास वाक्य के शब्दों में अंगीकार किया है समान करते हैं। इसलिए कि हम यह जान सके कि आप वास्तव में इस विश्वास को अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से इस सेवकाई को पूर्ण करना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में आर्च बिशप के पद और सेवा कार्य के लिए बुलाया है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या परमेश्वर के महिमा की धुन प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रेम और मनुष्य के द्वारा मनुष्य के उद्धार की चेष्टा करने के लिए
आपका हृदय साक्षी देता है, क्या इस सेवा को स्वीकार करना आपका मुख्य उद्देश्य है? हाँ, मेरा हृदय साक्षी देता है, ये ही मेरे उद्देश्य है। क्या आप मानते हैं कि यह शिक्षा जो यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का स्वच्छ और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित और सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतह प्रयास करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित जीवन बिताने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार का ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार क्रिस्त की झुंड के लिए आदर्श नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। आर्च बिशप की सेवा है कि जिस प्रकार एक चरवाहा अपने भेड़ों की निगरानी करता है, उसी प्रकार एक आर्च बिशप अपनी कलीसिया की निगरानी करे, विशेषकर बिशपों और सहकर्मी सेवकों को संभाले और उसकी देख रेख करे। उन्हें चाहिए कि वे अपने लोगों को जाने। उनका कर्तव्य है कि कलीसिया के मसीही एकता को बढ़ाएं। अपने सहकर्मियों के साथ उनका यह विशेष दायित्व है कि समस्त मसीह कलीसिया की एकता को बनाए रखें, उसे आगे बढ़ाएं और उसके धर्म सिद्धांतों की रक्षा करें। उनका यह काम है कि धर्म ज्ञान और विश्वास के अध्ययन में अपने लोगों की अगुवाई करें कि वे परमेश्वर के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं और अपनी सेवाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो। उनकी यह अविरत चिंता होनी चाहिए कि धर्म सेवकों एवं लोगों की उपासना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अर्पित की जाती है उसके ऐश्वर्य और प्रेम के योग्य है। उनका यह कर्तव्य है कि वे उसको जो उसकी कलीसिया में रहते हैं सुसमाचार की भरपूरी दे और अपने बिशपों और सहकर्मियों और कलीसिया के अन्य सदस्यों को उनके इस कर्तव्य को स्मरण दिलाते रहें। उन्हें यह भी देखना है कि उन्हें दृढ़ीकरण के लिए तैयार किया गया है। उन्हें दृढ़ीकृत करें, उन्हें पवित्र अभिषेक संपन्न करने का अधिकार है और जहां धर्म सेवा की आवश्यकता है वहां ऐसी सेवा का प्रबंध करें। अनुशासन करने में नरम दिल हो और दृढ़ भी, सत्व को किंतु दया को ना भूले। उन्हें गरीबें और शोषित लोगों का विशेष ध्यान रखना है। हे प्रिय, एक आर्च बिशप का दायित्व ऐसा ही है। इस सेवा में आपको खुशी इसी में है कि आप क्रिस्त का अनुसरण करें जिन्होंने सेवा करने और सब मनुष्य के द्वारा उद्धार के दाम में अपना प्राण देने आया। क्या आप परमेश्वर की सहायता से इस दायित्व को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से मैं तैयार हूँ। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रत्यंत करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप उन लोगों के लिए जिनके मध्य में आप रहेंगे क्रिस्त में के विश्वास साक्षी होंगे, क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे त्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्य बनाए? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि आपकी कलीसिया डायोसिस में बपतिस्मा दृढ़करण
प्रभु भोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न होता है, क्या आप उनका अभिषेक सत्कर्ता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य और कलीसिया के संविधान और नियमावली के अनुसार विश्वासता से अनुसरण करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप क्रिस्त के निमित्त दरिद्र और निर्बलों के प्रति नरम दिल और दयालु होंगे और अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि संसार में न्याय और शांति के लिए परिश्रम करें? हाँ, परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। आप मानते हैं कि परमेश्वर आपको नॉर्थ ईस्टर्न गोस्टनर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च को अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है, इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पद के दायित्व को इस कलीसिया और इसके संविधान के अनुसार जिनके लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, जिन्होंने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प दिया, आपको उनको पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करें। आपको बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है, वे ऐसा ही करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन सेवकों के लिए जिन्होंने युगों से तेरे नाम से मानव जाति की सेवा की है। हम इस तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरी कलीसिया में आर्च बिशप पवित्रकरण संस्कार किए जाने वाले हैं। तू ही इन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक कर और आशीष दे। तू उसके जीवन और सेवा से क्रिस्त को प्रकार कर, ताकि सब लोग क्रिस्त से जीवन की संपूर्णता प्राप्त करें। तू उन्हें प्रेम और शांति का साधन बना, दुर्बलता के समय उनका सहायता हो और उन्हें संभाल, निराश में उन्हें बुद्धि, समझ और विश्वास दे। हमारी प्रार्थना है तू उन्हें एक उनके परिवार के साथ रह और उन्हें आशीष दे कि वे जीवन भर विश्वास में बने रहें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। निर्वाचित आज बिशप घुटना टेके हैं, बिशप उनकी ओर अभिमुक्त हो और पवित्रकरण संस्कार की प्रार्थना के पूरे समय तक हाथ रखने वाले बिशपों के साथ खड़े होकर उन सबकी ओर से कहें। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति करो और पवित्र महिमा करते हैं कि तूने मनुष्य के द्वारा की अपनी योजना पूरी करने के लिए प्रत्येक देश में अपनी पवित्र प्रजा राजपुरोहित का सम्मान और स्वर्गलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को दे दिया कि वे हमारे विश्वास का प्रेरित और महापुरोहित और हमारी आत्मा का चरवाहा और अध्यक्ष हो। हमारे मानव स्वभाव धारण किए और हमारे लिए मृत्यु का अधिकार नष्ट किए। अब वे तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह के वरदानों की वर्षा करते हैं। वे कुछ को प्रेरित
कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाला और कुछ को शिक्षक बनाते हैं, इसे कि जिससे वे तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सज्जित करें, उनकी देह अर्थात कलीसिया उन्नति करे। यीशु ही के नाम पर हम यह विनती तेरे पास लाते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, अपने सेवक पादरी राजीव सतीश टोपो को अपनी कलीसिया में आर्चबिशप के पद और सेवकाई के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान करें। आमीन। Father, in the name of Jesus, we thank you for the calling in Archbishop Satish's life. And Abba, at this time, we as a people declare your anointing to manifest in his life and through his life, Father. And your word says, one will chase thousand, or two 10,000. And Abba, when he and your spirit together in his life and through his life, we ask for manifestations of that dimension where the enemy is trodden under feet and your glory is manifested, Father. And your people shall walk in the liberty of your spirit. We ask for such grace, such anointing. And Abba, your word says that the anointing shall break the yoke of bondage. And Abba, whatever the enemy has placed bondages and chains, whatever types and kinds of it, by that anointing that you have placed upon a brother Archbishop Satish's life, let it be broken, and Abba, let him set many people free to serve you in the liberty of the Spirit. We thank you, Abba, and dedicate our brother Bishop Archbishop Satish unto you, and you be glorified, and your name, O Lord, be lifted up and exalted. In Jesus, Yeshua, our Lord, we pray. Amen. Amen. हिंदी में हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रेतों की तरह इस तेरे सेवक को अपना अनुग्रह प्रचुरता से दें, वर दे कि वे अपने लोगों का अच्छा चरवाहा बने और सारी कलीसिया के लोगों को देखरेख और संचालन सावधानी से करें, तथा सब लोगों में प्रेम और एकता को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहें। इन्हें पर में प्रेरणा दे कि वे तेरी उपासना करने में बलिदान अर्पित करें जो तुझे ग्रहण योग्य हो। वर दे कि क्रिस्त और उसके मेल मिलाप के काम को पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने वचन और कर्म से प्रभावित कर सके। इन्हें सुमति दे कि वे न्यायपूर्ण अधिकार को समझ बुझ कर प्रयोग करें, विनाश के लिए नहीं वरन भलाई के लिए, आघात के नहीं वरन चंगाई के लिए। आशीर्वाद दे कि वे अपने सहकर्मियों को उनकी पवित्र सेवकाई में समझ और प्रेम से अगुवाई और प्रोत्साहित करें। उन्हें सामर्थ्य दे कि वे शैतान की चालाकी से बचे रहे, जिससे वे अपने जीवन के अंत तक संकलंक रहकर सेवा करते रहें और अंत में अपने सब विश्वासियों के साथ अत्यंत आनंद में पहुंचा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो हमारा प्रभु है और जो पिता और पुत्र आत्मा के संग जीता है और राज करता है और आदर महिमा और प्रशंसा के योग्य है, अब और सदा लो। गीत नंबर 3। Thank you.
कलीसिया प्रथा अनुसार प्रदान। बाइबल को लो, यह उस अधिकार का चिन्ह है जो आपके परमेश्वर की कलीसिया में आठ बिशप होने के से मिला है। इस धर्मशास्त्र को पढ़ने और उसके संदेश की व्याख्या करने में लीन रह और निरंतर उस परमेश्वर पर मनन कर जो जीवन प्रसन्न के द्वारा बोलता है। आमीन। क्रिस्ट के झुंड अच्छा चरवाहा बने, उनका पोषण करें, दुर्भोगों को संभाले, घायलों को पट्टी बांधे, बहिष्कृत लोगों को पुनः स्थापित करें, खोए हुए को ढूंढने, कोमल हृदय हो किंतु दृढ़ रहे, सख्त हो परंतु दया न भूले, ताकि प्रधान चरवाहा आए तब आपको विश्वास का साथ महिमा का हुकुम देगा। हमें चलिए सब लाठी रहिए, सब लाठी लीजिए। हाँ, जो कहते हैं अपना पुरुष उठा और मेरे पीछे हो लो। आमीन। चलिए एक पर सब पिता पुत्र और पिता के नाम से मैं आपको पुरुष देता हूँ, परमेश्वर का पुरुष उठा और प्रभु के पीछे हो ले और उसकी महिमा के लिए दिन और रात सेवा और काम करता रहे। आमीन। और होगा एक था। हाँ, इस संगठन को दे, यह आपकी विश्वस्तता के प्रतीक का चिन्ह है। Father in heaven, we as your people
We rejoice in who you are in each one of our lives. And Abba, this hour we thank you. We speak that anointing of authority, Abba, even as the staff declares about it. And Abba, we speak the anointing of the intercessor, anointing of the shepherd, and Father's heart in our brother Archbishop Satish Topo. Father, even now we pray as your people that he should carry your grace and he should multiply your grace into the lives of people who hear him. And Abba, without you, without your anointing, without your grace, whatever has been given to us, we will not be able to accomplish. So we ask for that grace in our brother, Archbishop Satish Topo's life, Father. Your grace will enable him, Abba. Because, Father, when you give authority, your grace will enable to fulfill responsibilities. So we ask for the grace for your glory and kingdom. We thank you, Abba, for each one of us here, bringing us to witness and also to fellowship of your greater purposes in our brother Archbishop Satish Topo's life. We thank you, Abba Father, in Jesus, Yeshua, our Lord, we pray. Amen. आइए सर, मैं हम लोग कोयर दल की अगुवाई में गीत नंबर 1 को गाएंगे। Thank you.
तीनों डीन पादरी एसपी बेग, पादरी असफ मिंच, पादरी गमलियल बाखला, निर्वाचित बिशप पादरी अगस्तो सेक्का, पादरी निस्तार कुजूर और पादरी ग्लैडसन मिंच को पवित्रीकरण करने वाले आर्च बिशप के पास लाएंगे और एक साथ कहेंगे। हम सब इन भक्त और विद्वान सेवकों को प्रस्तुत करते हैं कि वे परमेश्वर की कलीसिया सब पद के लिए पवित्रीकरण संस्कार किए जाएं। ठीक है, बैठ जाएंगे डीन लोग। अब निर्वाचित बिशपों के चुनाव का प्रमाण पत्र पढ़ा जाए। मुख्य सचिव सर अगुवाई करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च छोटा नागपुर एवं असम। घोषणा। नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च छोटा नागपुर एवं असम की डायसिसन कार्यकारिणी समिति की ऑनलाइन बैठक दिनांक 30/4/2021 की कार्यवाही कंडिका संख्या 6, डायसिसन काउंसिल की विशेष बैठक 20/8/2021 की कार्यवाही कंडिका 6, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 13/1-56/56 दिनांक 15/9/2021 एवं डायसिसन काउंसिल बैठक 3 नवंबर से 6 नवंबर 2021 कार्यवाही कंडिका 7 के अनुसार बिशप उम्मीदवारी 4 बिशपों उनमें से एक बिशप को आर्च बिशप का विधिवत चुनाव संपन्न कर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत परिणाम पत्र 13/1-89/90 and 91 दिनांक 4/12/2021 के आलोक में एदत द्वारा रेवरेंड अगस्तु सेक्का, रेवरेंड निस्तार कुजूर एवं रेवरेंड ग्लेडसन मिंच बिशप निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। ख्रीस्त में प्यारों, ये वे व्यक्ति हैं जिसे हम परमेश्वर के नाम से पवित्रीकरण संस्कार करना चाहते हैं। आपने सुन लिया है कि ये सभी विधिवत निर्वाचित बिशप हैं और इनकी नियुक्ति उन लोगों द्वारा जिनको यह अधिकार है पक्की की गई है। अब मैं आप सबों से पूछता हूं कि आप सबों की इच्छा है कि इन बिशपों को बिशप पद का पद पर पवित्रीकरण संस्कार किया जाए? क्या आप धर्म सेवा में इन्हें संभालेंगे? प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से जो हमारा महापुरोहित है, हम यहाँ एकत्र हैं कि आपको एक कैथोलिक प्रेरितों की कलीसिया में और हाथ रखने के द्वारा पवित्रीकरण संस्कार करें। हमारा विश्वास है कि पवित्रीकरण करने में केवल परमेश्वर ही उस पर एवं कार्य के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं आपको अनुग्रह और अधिकार देता है। हम यह मानते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया की विनतियां सुनते हुए अपने नियुक्त किए गए धर्म सेवकों के वचनों एवं कार्यों के द्वारा यह काम करेंगे। हम जो कुछ करते या बोलते हैं वह एक पवित्र सौलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया के अंग होकर करते या बोलते हैं। हम सब कुछ उस विश्वास के आधार पर जिसको हमने एक स्वर से विश्वास वाक्यों के शब्दों में अंगीकार किया है संपन्न करते हैं, इसलिए कि हम यह जान सकें कि आप वास्तव में इस विश्वास को अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से इस सेवकाई को पूर्ण करना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप के पद
और सेवा के कार्य के लिए बुलाया है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या आप परमेश्वर की महिमा की धुन, प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रेम और मनुष्यों के उद्धार की चेष्टा करने के लिए आपका हृदय साक्षी देता है? क्या इस सेवा को स्वीकार करना आप सबों का मुख्य उद्देश्य है? हाँ, मेरा हृदय साक्षी देता है, यही मेरे उद्देश्य है। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित और सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका गहरा बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित जीवन बिताने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार का ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए आदर्श नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूंगा। बिशप का पद और कार्य के विषय में सुनेंगे। बिशप की यह सेवा है कि जिस प्रकार एक चरवाहा अपने भेड़ों की निगरानी करता है, उसी प्रकार एक बिशप अपनी कलीसिया डायसिस की निगरानी करे और विशेषकर सहकर्मी सेवकों को संभाले और उनकी देखरेख करे। उन्हें चाहिए कि वे अपने लोगों को जाने। उनका कर्तव्य है कि कलीसिया के मसीह एकता को बढ़ाएं। अपने सहकर्मियों के साथ उनका यह विशेष दायित्व है कि समस्त मसीह कलीसिया की एकता को बनाए रखें, उसे आगे बढ़ाएं और उसके धर्म सिद्धांतों की रक्षा करें। उनका यह काम है कि धर्म, ज्ञान और विश्वास के अध्ययन में अपने लोगों की अगुवाई करें कि वे परमेश्वर के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं और अपनी सेवाओं को पूरा करने के लिए तैयार हों। उनकी यह अविरत चिंता होनी चाहिए कि धर्म सेवकों एवं लोगों की उपासना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अर्पित की जाती है, उसके ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो। उनका यह कर्तव्य है कि वे सबको जो उनकी कलीसिया डायसिस में रहते हैं सुसमाचार की भरपूरी दे और अपने सहकर्मियों और कलीसिया के अन्य सदस्यों को उनके इस कर्तव्य को स्मरण दिलाते रहें। उन्हें यह भी देखना है कि जिन्हें दृढ़ीकरण के लिए तैयार किया गया है उन्हें दृढ़ीकृत करें। उन्हें पवित्र अभिषेक संपन्न करने का अधिकार है और जहां धर्म सेवा की आवश्यकता है वहां ऐसी सेवा का प्रबंध करें। अनुशासन करने में नरम दिल हों और दृढ़ भी सख्त हों, किंतु दया को ना भूलें। उन्हें गरीबों एवं शोषित लोगों का विशेष ध्यान रखना है। हे प्रिय, एक बिशप का दायित्व ऐसा ही है। इस सेवा में आपकी खुशी इसी में है कि आप ख्रिस्त का अनुसरण करें, जिन्होंने सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और सब मनुष्यों के उद्धार के दाम में अपना प्राण देने आया। क्या आप परमेश्वर की सहायता से इस दायित्व को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं तैयार हूँ। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप अन्य लोगों के लिए
जिनके मध्य में आप रहेंगे, ख्रिस्त के विश्वस्त साक्षी होंगे। क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे त्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्य बनाएं? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि आपकी कलीसिया डायसिस में बपतिस्मा, डिडिक्रण और प्रभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न होता है? क्या आप उनका अभिषेक सतर्कता से और गंभीरता से करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ और कलीसिया के संविधान और नियमावली के अनुसार विश्वस्तता से अनुशासन करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप ख्रिस्त के निमित्त दरिद्र और निर्बलों के प्रति नरम दिल और दयालु होंगे और अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे संसार में न्याय और शांति के लिए परिश्रम करें? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर आप सबों को नॉर्थ वेस्टर्न गोसनर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है, इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आप अपने पद के दायित्व को इस कलीसिया और उसके संविधान के अनुसार जिनके लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे? हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, जिन्होंने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प दिया है, आपको उनको पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करे। आपको बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है, वे ऐसा ही करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उन सेवकों के लिए जिन्होंने युगों से तेरे नाम से मानव जाति की सेवा की है, हम इन तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरी कलीसिया में बिशप पवित्रकरण संस्कार किए जाने वाले हैं। तू ही इन्हें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कर और आशीष दे, उनके जीवन और सेवा से ख्रिस्त को प्रकट कर, ताकि सब लोग ख्रिस्त में जीवन की संपूर्णता प्राप्त करें। तू उन्हें प्रेम और शांति का साधन बना, दुर्बलता के समय इनका सहारा हो और इन्हें संभाल, निराशा में इन्हें बुद्धि, समझ और विश्वास दे। हमारी प्रार्थना है कि तू उन्हें एवं उनके परिवार के साथ रह और उन्हें आशीष दे कि वे जीवन भर विश्वस्त बने रहने पावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने मनुष्यों के उद्धार की अपनी योजना पूरी करने के लिए प्रत्येक देश में अपनी पवित्र प्रजा, राज पुरोहितों का समाज और सर्वलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया है कि वे हमारे विश्वास का प्रेरित और महापुरोहित और हमारी आत्मा का चरवाहा और अध्यक्ष हो। वे हमारे मानव स्वभाव धारण किए और हमारे लिए मृत्यु का अधिकार नष्ट किए। अब वे तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह के वरदानों की वर्षा करते हैं। वे कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाला और कुछ को शिक्षक बनाते हैं, जिससे वे तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सज्जित करें उनकी देह और अर्थात कलीसिया उन्नति करने पावे। यीशु ही के नाम से हम यह विनती तेरे पास लाते हैं। आमीन।
सेवक पादरी अगस्तुस एका पादरी निस्तार तुझू पादरी क्लेट सत्वीच को अपनी कलीसिया में बिशप के पद और सेवकाई के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रेरितों की तरह इस तेरे सेवक सेवकों को अपना अनुग्रह प्रचुरता से प्रदान कर। वर दे कि ये अपने लोगों का अच्छा चरवाहा बने और तेरी कलीसिया के लोगों की देखरेख और संचालन सावधानी से करें तथा सब लोगों में प्रेम और एकता को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहें। इन्हें प्रेरणा दे कि ये तेरी उपासना करने में बलिदान अर्पित करें जो तुझे ग्रहण योग्य हो। वर दे कि क्रिस्त और उसके मेल मिलाप के काम को पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने वचन और कर्म से प्रभावित कर सके। इन्हें तू सम्मति दे, इन्हें तू सुमति दे कि वे न्यायपूर्ण अधिकार को समझ बूझ कर प्रयोग करें। विनाश के लिए नहीं वरन भलाई के लिए, आघात के लिए नहीं परंतु चंगाई के लिए आशीर्वाद प्रदान कर कि ये अपने सहकर्मियों को उनकी पौत्र सेवकाई में समझ और प्रेम से अगुवाई और प्रोत्साहित करें। हाँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सामर्थ दे कि ये शैतान की चलाकी से ये तीनों बचे रहने पावे और वे जीवन के अंत तक निष्कलंक रहकर तेरी सेवा करने पावे। अंत में अपने सब विश्वासियों के साथ अत्यंत आनंद में इनको पहुंचा और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा प्रभु है और जो पिता और पवित्र आत्मा के संग जीता और राज्य करता है आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य है अब और सदा लो। आमीन। जो है सोता प्र
कलीसिया प्रथानुसार इनको प्रदान किया जाएगा। इस बाइबल को लें, या उस अधिकार का चिन्ह है जो आपको परमेश्वर की कलीसिया में बिशप होने से मिला है। इस धर्मशास्त्र को पढ़ने और उसके संदेश की व्याख्या करने में लीन रहें और निरंतर उस परमेश्वर पर मनन करें जो जीवित वचन के द्वारा बोलता है। आमीन। रेस्त के झुंड का अच्छा चरवाहा आप सभी बने और इसका पोषण करें, दुर्बलों को संभालें, बीमारों को चंगा करें, घायलों का पट्टी बांधें, बहिष्कृत लोगों को पुनर्स्थापित करें, खोए हुए को ढूंढें, कोमल हृदय हों किंतु दृढ़ रहें, सख्त हों किंतु दया ना भूलें, ताकि प्रधान चरवाहा जब आवे तब आप सब विश्वासियों के साथ महिमा का मुकुट प्राप्त करें। आमीन। यीशु कहते हैं, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आमीन। प्रभु आपकी सहायता करें। आप सभी को आशीष दे और इस अंगूठी जो आपको बनाई है इसमें भी प्रभु की आशीष पाए। इस अंगूठी को लें, या आपकी विश्वस्तता की प्रतिज्ञा का चिन्ह है।
यीशु कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। अब मैं पादरी अगस्तुस सिक्का, पादरी निस्तार कुजूर एवं पादरी ग्लैडसन मींच को नॉर्थ वेस्टर्न गोसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च छोटा नागपुर एवं असम के लिए प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बिशप घोषित करता हूँ। प्रभु इसमें आपकी सहायता करे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। Father, in the name of Jesus, we dedicate the leadership here and above all the bishops here with the Archbishop Satish Topo. As a team, they must serve you. In oneness of the Spirit, they must serve you and your people. We ask for the grace of our Father in the name of Jesus. We dedicate all of them. We dedicate them unto you and unto your people. And above, open the eyes of their understanding, so that above they see beyond what has been shown by the world, the flesh, the devil, and above they be able to hear in the Spirit and listen to you and do what you say, Father, because you are the head of the church. Jesus, you are the head of the church, and you have appointed them now to take care of the church, and let that headship and let that rulership to chase the enemy come forth into their lives in the name of Jesus, we ask, Father. And above, we thank you. We thank you. We thank you. And we dedicate Bishop Augustus. And above, we dedicate Bishop Nistar. And above, we dedicate Gladson Bishop unto you, Father God. And above, with Archbishop Satish Topa, they must be one, Father. They must be one. They must be one as a team. They must serve you. We ask for the grace. Oneness in the Spirit. Unity in the Spirit. Above, they must function as one team. And they must achieve what you have called them for and appointed them. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. 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 इसी समय डॉक्टर स्नेहा यहुन्ना 13:3-17 और आप पढ़ देंगे मरकुस 10:45। नेहा पढ़ेंगी यहुन्ना 13:3-17 और आप पढ़ेंगी मेवल पढ़ेंगी मरकुस 10:45 पर। यूहन्ना 13:3-17 ईशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोछने लगा। जब वह शमौन पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? ईशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पत्रस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर ईशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। समौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। ईशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि
मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुमसे तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यहाँ तक आमीन। हम बाइबल पढ़ेंगे मरकुस 10:45। इसी बीच में श्रीमती बिश्पाइन झलकारन टुक्को सामने आ जाएगी। मरकुस 10:45 उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यहाँ तक आमीन। इस समय हमारे मुख्य सचिव अगुवाई करेंगे, बाकी बिशपों से जो सर्टिफिकेट में साइन कराना है वे कराना है। यूथ कोऑर्डिनेटर और महिला कोऑर्डिनेटर आएंगी और आज बिशप और साक्षी वानिस 289 से गीत गा रहे हैं। बिशप और उनकी धर्मपत्नी बाकी बिशप और स्पाइन जरूर का पांव को धोएंगे। हमारे बिशप साहब की श्रीमती अगस्टिना भी आ जाएंगी और बिशप श्रीमती ग्लैडसन मीन भी आ जाएंगी। उसकी सेवा करूं, उसकी
सातवां नंबर गीत गाएं, पेज नंबर 31 में है। I know.
ये साक्षी वाणी में है 270, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। एक सूचना है, यहाँ की आराधना के बाद में हमारे कलिशिया के चर्च ऑफिस में सभी बिशपों और हमारे अतिथियों का अभिनंदन समारोह है। तो यहाँ की आराधना के बाद आप लोग सभी से अनुरोध है कि हमारे कलिशिया कार्यालय में आ जाएंगे और भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर है। हाँ, अभिनंदन समारोह है। और आराधना के बाद में चर्च के बाईं तरफ में नाश्ते का प्रबंध है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, दयालु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा, आदर और स्तुति आपको देते हुए आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि आपने अपनी बड़ी अनुग्रह और दया के तहत नॉर्थ वेस्टर्न गोसनर इवेंटिकल लूथरन कलीसिया की चिंता को समझा, अपनी अनुग्रह और दया किया। और प्रभु जी, कलीसिया को तूने चार बिशपों को देकर आशीषित किया है और आज आप ही के अनुग्रह और दया से हमारे जो भी मेहमान बिशपगण हैं और हमारे बिशप डॉक्टर पीडीएस तिर्की और बिशप जयवंत तिर्की और बिशप संजीव सैमुअल के अगुवाई में पिता परमेश्वर हम लोग पवित्र आत्मा को संपन्न करने पाए और चारों बिशपों का पवित्र संस्कार भी आपकी अनुग्रह और दया से संपन्न होने पाया है। और धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि आपने हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जीएल कलीसिया में ऐसे अनुग्रह और दया को प्रकट किया है कि कलीसिया के लिए प्रभु जी आपने आर्च बिशप और तीन बिशपों को ठहराया है कि उनकी अगुवाई में पूरी कलीसिया चलने और बढ़ने पावे। हाँ प्रभु जी, आप ही अपनी पवित्र आत्मा और अपनी अनुग्रह और सामर्थ का दान चारों बिशपों को दे कि वे आपसी विश्वास और भरोसे को कायम करते हुए एकता में हो करके प्रभु जी आपके अनुग्रह से नॉर्थ वेस्टर्न गोसनेविलिकल लूथरन कलीसिया को संचालित करने पावे। हाँ प्रभुवर, धन्यवाद देते हैं आज पूरे कलीसिया के नाम में कि प्रभु जी आपने हमारे इस कलीसिया की चिंता को देखा और अपने अनुग्रह और दया के तहत अपने दासों को तैयार करके उनको संस्कारित करके प्रभु जी नई जवाबदेही और जिम्मेदारी को प्रभु जी आपने दे दिया है। हाँ प्रेम पिता, आप ही सहायता कर और अगुवाई कर ये चारों बिशप और उनका पूरा परिवार घराना आपकी महिमा और इच्छा के अनुसार चले बढ़े और हरेक के जीवन के द्वारा आप ही के नाम को ऊंचा उठाया जाने सके। और हाँ पिता परमेश्वर, न केवल बिशपगण लेकिन उनके परिवार के लोग भी गवाहीपूर्ण जीवन जी सकें, इसमें प्रभु जी हमारे बिशपों को और उनके परिवारों को भी सहायता कर ताकि हरेक का जीवन चाल चलन व्यवहार आपकी पौत्र इच्छा के अनुसार हो ताकि उनके जीवन और व्यवहार के द्वारा तेरे ही महिमा बढ़े और कलीसिया में उनका जीवन बढ़े। और साथ साथ प्रभु जी तो उनके माध्यम से पूरी कलीसिया को संचालित कर और हाँ पिता परमेश्वर, तेरे ही नाम की महिमा और स्तुति और आदर सदैव प्रभु जी नॉर्थ वेस्टर्न गोसनेविलिकल लूथरन कलीसिया में बनी रहने पावे। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तूने विरोधी तत्वों को दूर करके अपने अनुग्रह और दया में अपनी आशीष का मार्ग को प्रशस्त किया है और चारों बिशपों को तूने आशीर्वाद दिया है प्रेम पिता। इसके लिए आज हम पूरे कलीसिया होकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद और महिमा और स्तुति और आदर देते हैं प्रेम पिता। इसी आराधना के क्रम में जो कुछ भी दान हम सबों ने श्री दान के रूप में और बिशपगण धन्यवादी दान के रूप में जो भी वेदी में अर्पण किया गया है, सभी दानों को आपके पास चरणों के निकट लाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता कि आप अपनी अनुग्रह और दया को प्रकट करते हुए इन दानों को हम सबों के मन हृदय के साथ आप ग्रहण करें और हरेक के खत्तों और भंडारों को प्रभु जी आप आशीषित करें और होने दे प्रभु जी इस दान के द्वारा आप ही की महिमा का कार्य बढ़े और प्रभु जी पूरे कलीसिया में आप ही की महिमा और शोभा बढ़ने पावे। हाँ पिता परमेश्वर, इस गिरजा आराधना के तुरंत बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे एक दूसरे से मिलेंगे और फिर कलीसिया कार्यालय परिसर में भी जो कार्यक्रम अभिनंदन समारोह रखा गया है उसमें भी प्रभु जी तेरी पौत्र उपस्थिति को चाहते हैं कि वहां का भी कार्यक्रम आप ही के अनुग्रह दया में संपन्न होने सके। आप ही हरेक अगुओं को सहायता कर और दया कर प्रभु जी की पवित्रीकरण संस्कार समिति, उसके कन्वीनर और उसके सदस्यगण, हमारे कलीसिया के मुख्य सचिव और वित्त सचिव, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने उनको अगुवाई किया है और आशीष दिया है। हाँ प्रभु जी, सभी अगुओं के संग साथ हो कि उनके मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश में हाँ पिता परमेश्वर कलीसिया आगे आगे बढ़ने पावे। एक एक बातों के लिए प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद और महिमा और आदर स्तुति देते हुए मसीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दास से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। पूरी मंडली जो यहाँ उपस्थित है और जो भी ऑनलाइन में जुड़े हैं,
देख परमेश्वर का आशीर्वाद को दीन मन के साथ में सभी बिशपों के अगुवाई में ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।